नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जब हमारा नेट खत्म हो जाता है तो हम इंटरनेट चलाने के लिए एक ही चीज़ का सहारा लेते हैं, वो है वाईफाई। लेकिन हमारे आसपास में बहुत ही ज़्यादा वाईफाई अवेलेबल रहता है, उसके बावजूद भी हमें वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता होने के कारण हम उस वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और ना ही इंटरनेट चला पाते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेना है दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी भी रेंडमली वाईफाई को बिना किसी पासवर्ड को जाने हुए उसको अपने मोबाइल में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी एक आसान सा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक ऐप के बारे में बताया था, जिस ऐप की हेल्प से आप किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को हैक कर सकते हो। लेकिन वो ऐप जो है कुछ दिनों के बाद वर्क करना बंद कर दिया, जिसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ने कॉमेंट किया जो भाई उस ऐप का नाम बताओ, वो ऐप वर्क नहीं कर रहा है। कॉमेंट बॉक्स में भी ढेर सारा कमेंट आ गया है जो वो ऐप है वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई दूसरा ट्रिक बताओ। आज मैं आप लोगों को किसी भी ऐप के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बस आप अपने मोबाइल की सेटिंग को थोड़ा सा चेंजेस करके किसी भी वाईफाई को पासवर्ड को हैक कर सकते हो, अपने मोबाइल में चला सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले गए और उसके बाद इस ट्रिक को फॉलो किया तो भाई आप लोगों का वाईफाई जो पासवर्ड हैक नहीं कर पाओगे, किसी भी वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाओगे और उसके बाद मेरे कॉमेंट बॉक्स में आके बोलोगे जो भाई मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो भाई वीडियो के लास्ट में जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ना, एक लाइन का जो ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते अपने मोबाइल का स्क्रीन पर और आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूं थोड़ा सा सेटिंग को चेंज करके किस तरह से किसी भी वाईफाई को आप अपने मोबाइल में चुटकी में कनेक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग साइड स्क्रीन में देख सकते हो मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं अपने वाईफाई के सेटिंग में जा जाता हूं, वाईफाई को ऑन कर लेता हूं और यहां पर आप लोगों को लाइव प्रूफ किसी भी वाईफाई के मतलब हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आप लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो भाई आप लोग वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि लास्ट में जो मैं विधि बताने वाला हूं ना, जो मैं सेटिंग बताने वाला हूं वही इंपॉर्टेंट है। बीच में जो बताऊंगा वो तो जनरल सा सेटिंग है, लेकिन लास्ट में जो सेटिंग बताऊंगा एक एपीएन बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहां पर वाईफाई को ऑन कर देता हूं, यहां पर मैं वाईफाई के सेटिंग में आ जाता हूं। यहां पर देख सकते हो अवेलेबल नेटवर्क यहां पर सर्च हो रहा है, यहां पर देख सकते हो रियलमी 9 प्रो प्लस ये जो है अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूं। ये जो मेरा जो है साइड में जो एक दुकान है उसका जो नेटवर्क है मैं आप लोगों को उसका कनेक्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर देख सकते हो बहुत सारे वीवो V23 ये भी आ चुका है। अब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं। ठीक है, इसके डॉट साइड में जो है तीर का निशान बना हुआ है उस पर मैं क्लिक कर देता हूं क्योंकि इसमें मैं सेटिंग में जाना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हो साइड स्क्रीन में जो बहुत सारे सेटिंग यहां पर खुल के सामने में आया है, जिसमें प्रॉक्सी, आईपी सेटिंग, प्राइवेसी और बहुत सारे यूट्यूब पर ऑलरेडी ऐसे वीडियो है जो भाई प्रॉक्सी को बता देते हैं ऐसा लिख दो और आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं और एकदम रियलिटी दिखाने वाला हूं कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, टेक्नोलॉजी सारा का सारा आप लोग यहां पर देख सकते हो, सिग्नल स्ट्रेंथ आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सीलेंट है। अब हम आपको बताते हैं कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने में आपको प्रॉक्सी में जाना है, प्रॉक्सी में आपको यहां पर जो नन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको जो है मैनुअल कर देना है। मैं आप लोगों को मैनुअल कर देता हूं। मैनुअल करने के बाद यहां पर देख सकते हो होस्ट नेम आ रहा है। अब होस्ट नेम जो होता है ना वही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको क्या करना है, होस्ट नेम यहां पर डालना है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने टाइप कर दिया google.internet.com। आप लोगों को सेम टू सेम टाइप करना है, आप लोगों को थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं करना है वरना आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पोर्ट में आ जाना है। पोर्ट में जो है आपको डालना है, पोर्ट में जो होता है हर एक आईपी एड्रेस का पोर्ट अलग अलग होता है, इसलिए आपको क्रोम में जाना है, वहां पर टाइप करना है my ip location port address। ठीक है, आप अच्छी तरह से सुन लो, my ip location port address। आपको टाइप करने के बाद आपका जो लाइव आपका जो लोकेशन ऑन कर देना है, आपको लाइव लोकेशन का पोर्ट मिल जाएगा। मेरा जो है 66 है, 66 मैंने डाल दिया, सॉरी 666। ठीक है, अब बाईपास देखो, बाईपास जो है इंटरनेट कैसे बाईपास किया जाता है, हॉटस्पॉट में कैसे बाईपास किया जाता है, अब आप लोगों को यहाँ पर देना है। आपको देना है, बता देता है जो भाई आपने गलत लिखा है, आपने सही लिखा। आप यहाँ पर देख लो आईपी सेटिंग में आपको फिर से आना है। आईपी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर स्टेटिक में आपको क्लिक करना है। स्टेटिक में क्लिक करने के बाद आईपी सेटिंग में एड्रेस में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना। अब देखो मैंने जो आईपी सेटिंग पेस्ट किया है वो कौन सा है, आपको फिर से गूगल में जाना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है my ip location। टाइप करके सर्च करना है, यहाँ पर जो आईपी लोकेशन आपको दिखेगा उसको कॉपी करके यहां पर सेम टू सेम पूरा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद ऊपर में जो आप लोग क्लिक राइट का चिन्ह दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करके ओके कर देना है। मैं यहां पर ओके आप लोगों को करके मेरा जो वाईफाई नेटवर्क है वो मैं कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर देख लीजिए मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही हमारा जो नेटवर्क है फिर से गायब हो चुका है और गायब होने थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और टाइम ले देख सकते हो यहां पर फिर से आ चुका है रियलमी 9 प्रो। उसके बाद मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हो हमारा जो
नेटवर्क है ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में जो है नेट मेरा चलने लगा है। आप लोगों को लाइव प्रूफ में भी बताता हूँ, अगर आप में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से अपने मोबाइल का एयरप्लेन मोड ऑन करना है। एयरप्लेन मोड ऑन करके प्लेन मोड को ऑफ कर देना है, उसके बाद आप जो वाईफाई को ऑन करोगे तो आपका जो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को साइड स्क्रीन में देख सकते हो मेरा जो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। ऐसा कि आप लोगों ने देखा है मेरा जो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जो आप लोगों को बोला था जो भाई लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ना, वो पूरा का पूरा वीडियो फेक है भाई। इसी तरह का यूट्यूब पर ऑलरेडी हजारों लाखों ढेरों वीडियो बने, जो यूट्यूबर जो है भाई व्यूअर्स को फेक वीडियो बना बना के व्यूज लटोड़ रहे हैं और भाई लाइक करवा रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं अपना चैनल को। लेकिन मैं आप लोगों को भाई रियलिटी बता देता हूँ भाई, आप किसी भी तरह से किसी भी वाईफाई को पासवर्ड को हैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, हैकर ही हैक कर सकता है, जो भाई नेक्स्ट लेवल का हैकर है वो हैक कर सकता है, लेकिन आप हैक नहीं कर सकते हो। इसलिए इस तरह की फेक वीडियो देखना बंद कर दीजिए। आप लोगों को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही सिखाने वाला हूँ जो भाई आप इसी तरह का यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं है जो वाईफाई को कनेक्ट करके, वाईफाई को बिना पासवर्ड के कनेक्ट करके आप लोगों को बता सकता है। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।